Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic, that is thrust and pressure, from a class 9 science book. So let's start this topic. सबसे पहले हम समझेंगे कि thrust और pressure होता क्या है और साथ ही साथ कुछ जो हमारे बहुत सारे day to day life से unanswered questions रह जाते हैं कई बार, उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे की जो रीजनिंग है, उसको भी हम समझेंगे. ठीक है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली. आपने देखा होगा ना, जो कैमल होता है उसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, वो बहुत ही इजीली जो है डेजर्ट से चल लेता है. ठीक है. जबकि वहाँ हॉर्स या हमें अगर पैदल चलना हो तो हम नहीं चल पाएंगे. ठीक है. सो व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूस चेन. आपने देखा होगा जो लड़ाई में टैंकर्स जाते हैं, उनके नीचे जो टायर होते हैं वो टायर नहीं होते, वो चेन के बने रहते हैं, है ना. और उन टन, उन जो टैंक्स होता है उनका वजन बहुत ज़्यादा टन्स में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वो कैसे मतलब इस तरह से एक चेन के ऊपर पूरा टिका हुआ रहता है. और why a truck or a motor bus has much wider tires. तो आपने देखा होगा कि जैसे स्कूटर है या साइकिल है, इसके टायर्स पतले होते हैं, वहीं हमारी जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जैसे टायर्स, जैसे आप ट्रक्स देखते हो या बसेस देखते हो, उसमें तो डबल टायर्स भी लगे रहते हैं, है ना. तो इसका क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे? ये सब चीज़ें तो हम रियल लाइफ में देखते हैं रोज़ ही. कभी आपने सोचा है कि इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है, क्या मतलब ऐसी दिक्कत थी कि इस तरह की चीज़ें जो है कैसे होती हैं, इनके पीछे का क्या साइंस है? ठीक है. सो व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस. जैसे चाकू है, ब्लेड है, कैंची है, इनके शार्प एजेस क्यों होते हैं? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts. तो इन सब चीज़ों के पीछे का जो phenomena है हम समझेंगे वन बाय वन करके. लेकिन thrust and pressure, ये दोनों ही चीज़ें इन सब phenomena के ऊपर मतलब phenomena के लिए responsible होती हैं. आप कहेंगे thrust और pressure, मतलब ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए, इन सब के पीछे थ्रस्ट और प्रेशर, ये ही दोनों रीज़न होते हैं. ठीक है. कैसे ये हम समझेंगे, लेकिन पहले हम ये तो समझ लें कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, तभी हम जो है ये जो रीज़न है इसके पीछे थ्रस्ट एंड प्रेशर, तब जब हम वापस से डिस्कस करेंगे, देन यू कैन कोरिलेट एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर. ठीक है. सो In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts of net force in a particular direction, thrust, and the force per unit area pressure acting on the object concerned. ठीक है. तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है. ठीक है. और थ्रस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. अगर हम थ्रस्ट को डिफाइन करें कि नेट फोर्स, अभी इसके इससे पहले के चैप्टर्स में हमने फोर्स देखा था, फोर्स जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखा था. ठीक है. और फोर्स का जो अगर ग्रेविटी के थ्रू अगर किसी चीज़ का वेट है तो वो भी एक तरीके से वो भी उसका फोर्स ही है. तो फोर्स जो है वो मास इंटू जी हो जा रहा है ग्रेविटी की वजह से. ठीक है. तो यही उसका वजन भी है, वेट भी फोर्स ही है, बस वो मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा. ठीक है. सो अगर हम देखें कि नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, जैसे कि मैं इधर धक्का दे रही हूँ और ये हाथ इधर धक्का दे रहा है, तो ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इक्वल फोर्स यहाँ से भी है, इक्वल फोर्स यहाँ से भी, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब होता है कि अगर दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में अल्टीमेटली फोर्स काम कर रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ वर्ड लिखा है नेट फोर्स. तो नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर नेट फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उस वक्त उसको हम थ्रस्ट, एक नया वर्ड दिया गया है, थ्रस्ट कहेंगे. और एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. अगर कोई फोर्स है, अगर हम उसको जैसे ये फोर्स है, मैं यहाँ पे ऐसे दबा रही हूँ तो ये फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है. ठीक है. लेकिन अगर मैं इस पूरे को ऐसे दबाऊंगी तो ये फोर्स ज़्यादा बड़े एरिया पे लग रहा है. ठीक है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया
उसको हम कहते हैं प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न. तो ये सारे जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस देखे इन सब का आंसर है थ्रस्ट और प्रेशर. ठीक है, इन्हीं फिनोमिना की वजह से कि हम अपना काम कम से कम फोर्स लगाएं, कम से कम एनर्जी का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम आउटपुट ले सकें. ठीक है, कैसे करते हैं हम इन चीज़ों को समझेंगे कुछ रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जांपल्स को पढ़ते हुए. ठीक है, जैसे कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो कुछ सिचुएशंस हम कंसिडर करते हैं ताकि हम इन दोनों फिनोमिना को और अच्छे से समझ सकें. जैसे कि सिचुएशन वन में दिया गया है कि यू फिक्स इफ़ यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड एज शोन इन फिगर 10.3 टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्रॉइंग पेंट्स विद योर थम्स. तो जैसे आपने कभी भी अपने नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस चिपकाई हो, या जैसे ये बच्चा जो है ये चिपका रहा है, एक नोटिस चिपका रहा है, तो आपको इस तरीके से अपने जो पिंस रहती है ना, ये पिंस को अपने अंगूठे से प्रेस करना होता है ना, तभी तो वो पिंस उसके अंदर जाएंगी और वो जो आपका पोस्टर है वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्यों होता है? ठीक है, सो यू अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन. ठीक है, तो आपने जो फोर्स लगाया वो पिन के टिप के एकदम पॉइंट पे लगाया, तो एक छोटे एरिया पे ये फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये प्रेशर जो है ये छोटे एरिया पे लग रहा है फोर्स. ठीक है, और यहीं पे आप सिचुएशन टू देखिए कि यू स्टैंड ऑन ए लूज स्टैंड. एक लूज स्टैंड है, सैंड है, मतलब जैसे रेत है, रेत पड़ा हुआ है. ठीक है, योर फीट गो डीप इंटू द सैंड. जैसे आप खड़े रहोगे तो आपके पैर उसके अंदर धंस जाएंगे, रेत के ऊपर धंस जाएंगे. ठीक है, नाउ लाई डाउन. अगर आप लेट जाएंगे, ठीक है, पहले आप खड़े थे तो आपका पैर जो है रेत में धंसता है, आप रेत पे चल के देखिए आपका पैर उसके अंदर धंसेगा. ठीक है, लेकिन वहीं पे आप लाई डाउन मतलब लेट जाइए तो आपका शरीर सैंड के अंदर उतना नहीं धंसेगा जितना कि आपका पैर धंस रहा था. ठीक है, सो नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड. यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड. ठीक है, इन बोथ द केसेस द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, चाहे आप खड़े हुए हो तो जितना फोर्स आप खड़े होकर सैंड के ऊपर लगा रहे थे, उतना ही फोर्स आप जब लेट गए उतना ही फोर्स आपकी बॉडी सैंड के ऊपर लगा रही है. ठीक है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जिस एरिया पे वो फोर्स एक्ट कर रहा था उसमें बदलाव आ गया. ठीक है, पहले जब आप खड़े थे, ठीक है, चुपचाप खड़े थे तो आप ऐसे खड़े थे. ठीक है, आपका एक पैर था ये. ठीक है, पैर के ऊपर ये जो छोटा सा एरिया है, पैर का एरिया, ये ही सारा का सारा फोर्स जो है, वजन इसके ऊपर, फोर्स कितना लग रहा था, मास इंटू ग्रेविटी लग रहा था. ठीक है, फोर्स इतना ही लगा, लेकिन कितने एरिया पे लग रहा था, A1 एरिया पे, जो कि ये एरिया है और ये एरिया है. लेकिन अगर आप लेट गए हैं यहाँ पे, ऐसे करके लेट गए हैं, ठीक है, ऐसे लेट गए हैं, तो फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है, मास इंटू जी. ठीक है, फोर्स उतना ही लग रहा है, लेकिन जितने एरिया पे लग रहा है, ये एरिया A2 अगर आप कंसिडर करें तो ये एरिया, इतने बड़े एरिया पे ये फोर्स लग रहा है और पहले इतने छोटे एरिया पे फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कह रहे हैं. ठीक है, तो ये अंतर आ गया है. तो इसी वजह से हम जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैर जो है सैंड में धंस जाते हैं, जबकि हम जब लेटते हैं तो वही फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ग्रेटर एरिया में. तो इस वजह से जो है हमारा शरीर कम धंसता है. ठीक है, यू हैव लर्न दैट वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि वेट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. फोर्स मतलब जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी की तरफ लग रहा है, उसी को हम जो है वेट भी कहते हैं. फोर्स और वेट लगभग बराबर है. ठीक है, तो फोर्स का भी फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, और वेट का भी फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी. ठीक है, हेयर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड. तो फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर है, खड़ा है. ठीक है, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक थ्रस्ट की डेफिनेशन, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. जो भी फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे या रिजल्टेंट नेट फोर्स कहेंगे. ठीक है, सो नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन
और वो डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, सो व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट. ठीक है, जब आप सैंड पे खड़े रहते हो तो आपका पूरा का पूरा जो फोर्स है, जो कि मास इंटू एसेलरेशन है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन या मास इंटू जी, यही आपका वेट भी है. तो ये एक छोटे एरिया पे लगता है जो कि आपके पैर के एरिया के बराबर है, ठीक है. लेकिन जब आप लेट जाते हो, ठीक है, सो व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन इक्वल ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी. जब आप लेट जाते हो सैंड के ऊपर तो फोर्स तो इतना ही लग रहा होता है, उस वक्त भी आपकी बॉडी का वजन उतना ही रहता है, ग्रेविटी उतनी रहती है, लेकिन वो बड़े एरिया पे, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा जो है शरीर आपका जो है पूरा कॉन्टैक्ट में आ जाता है सैंड के, तो एरिया बढ़ गई ना, आपके पैर के एरिया और आपके शरीर के एरिया में कितना डिफरेंस है, ठीक है. तो अब ये फोर्स जो है एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, सो विच इज लार्जर देन द एरिया ऑफ योर फीट. ओके, दस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट. तो भले ही दोनों के ऊपर एक ही हर दोनों टाइम एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स था, लेकिन वो अलग अलग एरिया पे लग रहे थे, ठीक है, इस वजह से दोनों ही फोर्सेस का इफेक्ट अलग अलग आया, ठीक है. एक ही एरिया, एक ही अमाउंट का फोर्स लग रहा था, लेकिन अलग अलग एरिया पे लग रहे थे, इस वजह से जो है वो उनका नेट रिजल्टेंट अलग अलग आया, ठीक है. सो इन द अबव केस थ्रस्ट इज सेम बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है. तो थ्रस्ट को हमने डिफाइन किया था फोर्स इन ए नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन भले ही फोर्स जो है दोनों में सेम लगे, लेकिन एरिया अगर अलग अलग होगी तो इफेक्ट जो है थ्रस्ट का अलग अलग आएगा, ठीक है. सो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. तो हमने प्रेशर को कैसे डिफाइन किया, थ्रस्ट को हमने डिफाइन कर दिया कि नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए. और हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि ये थ्रस्ट जो हमने डिफाइन किया ये कितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है. एरिया के बदलने से इस थ्रस्ट का इफेक्ट, भले ही थ्रस्ट सेम हो लेकिन अगर एरिया अलग अलग लगेगा तो उसका इफेक्ट, जिसको कि हम प्रेशर के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, जैसे हम चाकू से काटते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो अगर हम हमारी चाकू का जो सरफेस एरिया है वो पतला रहेगा, ठीक है, तो हम जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर वो ज़्यादा हमें दिखेगा और हमें फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा. जैसे मैं किसी चीज़ को, सपोज है चाकू है, मैं किसी चीज़ को काटना चाहती हूँ तो एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट का ही मैं फोर्स लगा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं फोर्स लगा ही नहीं सकती हूँ. उतने ही फोर्स से मैं काटूंगी तो जिस चीज़ को मैं काट रही हूँ उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अगर ये चाकू शार्प होगा, इसका एरिया कम होगा, ठीक है. और अगर इस चाकू की जो एरिया है वो ज़्यादा है, यानी ये शार्प नहीं है, तो उतना ही फोर्स लगाने पे कम प्रेशर पड़ेगा जिस भी चीज़ को मैं काट रही हूँ, इससे वो चीज़ नहीं भी कटेगी, ठीक है. सो द सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन इक्वेशन 10.20 वी गेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अगर हम सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें प्रेशर के इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या पर यूनिट एरिया. और अगर थ्रस्ट का देखेंगे हम न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर. लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया, उनका नाम था, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए, ठीक है. तो प्रेशर की यूनिट जो है वो पास्कल है, एसआई यूनिट पास्कल है, एक साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम पास्कल दिया गया है, और जिसको कि हम पीए सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है. कंसिडर अ न्यूमेरिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरियाज. तो एक न्यूमेरिकल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली थ्रस्ट और प्रेशर जो है कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, ठीक है. एक एग्जांपल देखते हैं कि ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, एक
वुड का ब्लॉक है जैसे आप फिगर में देख सकते हो, उसको एक टेबल के ऊपर रखा गया है, ठीक है। सो द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 cm इंटू 20 cm इंटू 10 cm। इस वुडन ब्लॉक का जो वजन है वो 5 kg है और उसके डायमेंशंस लिखे गए हैं, ठीक है। सो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड By the wooden block on the tabletop, if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension 20 cm into 10 cm and 40 cm into 20 cm, अगर हम wooden block हमें पूछा गया है कि कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये वुडन ब्लॉक अगर हम वुडन ब्लॉक के अलग अलग डायमेंशंस को टेबल टॉप के सरफेस से कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। दो तरीके से रख सकते हैं वुडन ब्लॉक को, एक या तो खड़े तरीके से कि ताकि इसका 20 cm इंटू 10 cm वाला जो एरिया है ये कॉन्टैक्ट में रहे टेबल टॉप की, और दूसरे तरीके से हम ऐसे रख सकते हैं कि 20 cm इंटू 40 cm वाला एरिया जो है वो टेबल टॉप के कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है। तो हमें अब जो है वो इसके ऊपर प्रेशर देखना है कि दोनों ही केसेस में कितना कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। कि हमें वुडन ब्लॉक का मास दिया गया है वो है 5 kg और डायमेंशंस दिए गए हैं 40 cm इंटू 20 cm इंटू 10 cm, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट है, ठीक है, थ्रस्ट यानी फोर्स ही, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं, या मास इंटू ग्रेविटी इस केस में। तो मास 5 kg है, जी जो है 9.8 है, तो हमने जब इसको इंटू किया तो ये 49 N फोर्स आ गया, ठीक है। सो ये थ्रस्ट आ गया हमारे पास, और एरिया ऑफ द साइड लेंथ इंटू ब्रेंथ, ठीक है। तो पहले केस में 20 cm इंटू 10 cm है, तो 200 cm एरिया आ गई, जिसको कि हमने मीटर स्क्वायर में किया कन्वर्ट, तो वो 0.02 m² आ गई, ओके। अगर हम इक्वेशन में इसको रखें, जो कि हमारी इक्वेशन थी प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो हमारे पास जो है थ्रस्ट 49 है, एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया, तो प्रेशर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2450 N/m², ये हमारे पास पूरा प्रेशर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी ब्लॉक को दूसरे तरीके से रखें, जबकि लार्जर एरिया जो है वो टेबल टॉप के कॉन्टैक्ट में आएगा, तब उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। सो व्हेन द ब्लॉक लाइज ऑन इट्स साइड ऑफ डायमेंशन 40 cm इंटू 20 cm, इट एग्जर्ट्स द सेम थ्रस्ट। भाई थ्रस्ट तो हमेशा वही रहेगा ना, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिया चेंज हो गया है, ठीक है। तो एरिया हो गया 40 cm इंटू 20 cm, डैट इज 800 cm, और इसको फिर से हमने मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास 0.08 m² आ गया, ठीक है। फिर हमने वही फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट की, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो हमारे पास इस बार प्रेशर की वैल्यू आ गई है 612.5 N। देखिए डायमेंशंस चेंज करने से, जैसे अब आप चाकू का ही देख लीजिए, ठीक है। तो अगर चाकू अगर हमारा शार्प रहेगा तो उतने ही फोर्स में हम ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा सरफेस ज़्यादा रहेगा, चाकू हमारा शार्प नहीं रहेगा, मोटा रहेगा उसका एज, तो उतने ही फोर्स में हम बहुत कम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे और हम सब्जी को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने 4 times का फर्क आ गया, 4 times का फर्क आ गया प्रेशर में, अगर हम डायमेंशंस चेंज कर दें मोटे और पतले में, ठीक है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 cm इंटू 10 cm इज 2450 N, एंड द साइड 40 cm इंटू 20 cm इज 612.5 N/m², ठीक है। सो दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया, तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्जर प्रेशर, ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। कि एक ही अमाउंट का फोर्स अगर छोटे एरिया पे काम करे, छोटी एरिया पे वर्क करे, छोटी एरिया पे हम उतना ही फोर्स लगाएं, तो हमारे ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं।
एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन लार्जर एरिया, और लेकिन उसी फोर्स को हम लार्जर एरिया पे लगा देंगे तो हम बहुत कम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई ए नेल हैज ए पॉइंटेड टिप, इसी वजह से जो कील होती है उसकी पॉइंटेड टिप होती है, क्योंकि एरिया कम रहेगा तो उतने ही फोर्स में वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और वो कील अंदर दीवार में धंस जाएगी, ठीक है। और नाइफ्स जो चाकू हैं उनके शार्प एजेस होते हैं, क्योंकि पतले एरिया रहेगा तो उतने ही फोर्स में वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और हमारी सब्जी आसानी से कटेगी, ठीक है। और बिल्डिंग्स हैं वाइड फाउंडेशंस, ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी फाउंडेशन यानी उनकी नींव जो है वो चौड़ी होती है, ठीक है। नींव चौड़ी होती है तो मतलब अब एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फोर्स जब रहेगा यानी प्रेशर उसके ऊपर कम आएगा, ठीक है। तो जब ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी तो नींव के ऊपर जो है प्रेशर कम आएगा, ठीक है, और बिल्डिंग हमारी ज़्यादा मजबूत बनेगी। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे हमें प्रेशर कम करना था ताकि जो पूरा का बिल्डिंग मटेरियल का लोड है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा ये सब चीज़ें थ्रस्ट और प्रेशर का, ठीक है। तो ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, अब हम एक कुछ स्पेशल केसेस में भी देख लें, जैसे कि हमारे फ्लूइड्स जिसको कि हम एयर और वाटर कह रहे हैं, ठीक है, उसमें कैसे ये प्रेशर और थ्रस्ट काम करता है, ठीक है। सो प्रेशर इन फ्लूइड्स, द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ठीक है, जो भी लिक्विड्स हैं, जो भी आपके पास जितने भी एयर आपके एनवायरनमेंट पे है, ठीक है, और जो भी लिक्विड है उन सब को अगर हम एक कॉमन नेम दें तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कह सकते हैं। सो अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, तो कोई भी सॉलिड, जैसे ये सॉलिड है, अगर ये इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो इसके वजन की वजह से, इसके वेट की वजह से ये इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर पाता है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से जो हमारी गैसेस हैं या जो हमारी लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट, तो जो वाटर है, जो एयर है, इनका भी वजन होता है, ठीक है। सो एंड दे ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज, ठीक है। तो फ्लूइड्स भी जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में इनको हम रखते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, या जैसे पानी किसी बाउल में आप स्टोर करके रखते हो तो उसके ऊपर वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अन डिमिनिश इन ऑल डायरेक्शंस, तो जो भी प्रेशर वो क्रिएट करते हैं ऐसा नहीं कि वो प्रेशर ख़त्म हो जाए, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाए या नेट हो जाए, नहीं नहीं वो ख़त्म नहीं होता वो प्रेशर, और हमेशा पूरे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होते हैं वो प्रेशर, ठीक है। सो अब हम एक और स्पेशल स्टडी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार इससे क्लास 8 में भी आपने प्रेशर और फोर्स का पढ़ा था कि अगर हम किसी बॉटल को नीचे से कट कर दें तो जैसे पाइप से पानी आता है तो जितनी तेज़ी से पानी आएगा इससे आप पता चलता है कि वाटर जो है वो कंटेनर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, तभी वो इतनी तेज़ी से पानी आता है वहाँ से, ठीक है। क्लास 8 में भी आपने इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। सो आई होप कि आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड वन अपील आई वॉन्ट टू मेक विद यू ऑल दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।